बदले में आए, शब्द जो कि संज्ञा के बदले में आए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, वही चीज आपको इंग्लिश में, ठीक है। अब एग्जांपल भी हम लोग देख रहे हैं। एग्जांपल, रीटा इज माय फ्रेंड, जिसे मैंने एक सेंटेंस कहा, रीटा इज माय फ्रेंड, रीटा मेरी फ्रेंड है। रीटा लिव्स एट पटना, रीटा जो है वो पटना में रहती है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा आई विल मीट रीटा, तो ये बार बार रीटा 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 जो वर्ड आ रहा है थोड़ा सा बार बार बोलने में ऑकवर्ड लगता है ना, तो उसके बदले में हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं, वही है प्रोनाउन। अब हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रीटा इज माई फ्रेंड। तो रीटा जैसे हम लोगों ने कहा इट मीन्स शी, वो लड़की है, तो लड़की के लिए शी यूज करते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं लड़कों के लिए ही यूज होता है और लड़कियों के लिए शी, है ना। तो रीटा क्या है, पहले शब्द पहले वाक्य में तो हम लोग रीटा बिल्कुल लिखेंगे, रीटा इज माई फ्रेंड। रीटा लिव्स एट पटना के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ रीटा इसके बदले में शी, वी कैन राइट हियर शी इंस्टेड ऑफ रीटा। अब आगे आते हैं, I will meet Rita. फिर से awkward लगाना Rita बार बार बोलने में, तो I will meet Rita की जगह पे her, H-E-R, ठीक है। अभी she का मतलब जो लड़की है उनके लिए हम लोग use करते हैं her, ठीक है, और लड़कों के लिए him, his। तो यहाँ पे इसके instead of Rita, what we will write her, okay? So this is for pronoun. Now some common pronouns are, कुछ common pronouns के बारे में बता दूं आपको, I, me, we, us, I का मतलब मैं, me, मेरा, we, हम सब, और us, us मतलब हम लोग का। अब इसमें आते हैं you, you, you का यू ही होता है, तुम अधिक रूप में अगर हो तो भी हम लोग यू ही बोलते हैं, अगर एक सिंगुलर के लिए यूज करें तो यू ही कहते हैं। He, him, he लड़कों के लिए यूज होता है मेल के लिए और him भी सिंगुलर के लिए, ठीक है। अभी आते हैं it, it किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटर के लिए। अभी आते हैं अगर she यूज किया उसके लिए her, she और her यूज करते हैं। they किसको बोले, बहुत सारे बच्चे हो, बहुत लोग हो तो उसको they अधिक लोग के लिए, और them मतलब उनके लिए, वो भी अधिक। Now, come on, possessive pronouns. Possessive मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। Possessive shows belonging, ठीक है? वो belonging को show करता है कि क्या चीज किसका है, ठीक है? इसमें क्या क्या use होता है हम लोग पहले देखेंगे। Mine, yours, ours, his, hers and theirs. एक चीज आप लोगों ने notice किया बच्चों कि इसमें last में s लगाते हैं, mine में s नहीं लगाते। Yours, ours, his, hers and theirs, तो सबके लास्ट में s लगता है, ठीक है। Suppose that this is your example, this book belongs to me, ये suppose that this book belongs to me, ये मेरा बुक है ना, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, this book is mine, यह मेरा बुक है, ये mine मैंने लिखा है ना, तो ये यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, सबसे लास्ट में possessive pronoun आता है। होप यू हैव अंडरस्टूड। अब हम लोग बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस होता क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप सेकंड पर्सन है, ठीक है। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन हो गया मेरे लिए, मैंने बात करी आप लोगों से। यू, आपसे मैंने बात की तो आप क्या हो गए, सेकंड पर्सन। और मैं अगर बात करती हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि रीटा इज वेरी गुड गर्ल, तो मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ ना, वो हो गया थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, वन हु इज स्पीकिंग, और दूसरा सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं, जिससे मैं बात कर रही हूँ, द पर्सन वी आर स्पीकिंग टू, जिससे मैं बात कर रही हूँ मतलब आपसे, और जिसके बारे में, द पर्सन अबाउट हुम वी आर स्पीकिंग, जिसके
लेकर